हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का मेरे एक नए वीडियो में। दोस्तों, मैं इसमें एक बार फिर से भदोही ज़िला के ज्ञानपुर में हूँ। दोस्तों, जो यह रास्ता देख रहे हैं आप सभी, इस रास्ते से होते हुए अछौर जाएगी, इस रास्ते से होते हुए आप दोस्तों ज्ञानपुर मार्केट में निकल सकते हैं। तो दोस्तों, मैं ज्ञानपुर के नज़दीकी टाउन एरिया दोस्तों घोपैला के नज़दीक हूँ। दोस्तों, जहाँ पर घोपैला पर दोस्तों दुर्गा धाम घोपैला देख सकते हैं। दोस्तों, दीप नगर ज्ञानपुर में जो सारी ब्यौरा है यहाँ पर देखिए लिखा गया है। मैं यहाँ पर माँ दुर्गा के मंदिर के पास आया हूँ। दोस्तों, देख सकते हैं जैसा कि बहुत प्यारा और खूबसूरत मंदिर दिखाई दे रहा है। दोस्तों, यह ज्ञानपुर नगर का बहुत प्रसिद्ध मंदिर है माँ दुर्गा का। दोस्तों, और सामने देख पा रहे हैं दोस्तों हरियरनाथ मंदिर जैसा, दोस्तों सामने ज्ञान सरोवर जैसा, दोस्तों दीप सरोवर भी यहाँ आप सबके सामने दिखाई दे रहा है। तो इस समय आप सुखवाया गया है जो दोस्तों, ये देखिए दोस्तों मंदिर का गुंबद दिखाई दे रहा है, आप सब देख पा रहे हैं दोस्तों। सामने माँ दुर्गा का मूर्त भी स्थापित की गई है। दोस्तों, देख सकते हैं आप सभी, मैं दिखा दूँगा अंदर चल के, आप सब देख लीजिए पहले फ़िलहाल बाहर का खूबसूरत नज़ारा। आइए, मैं अब अंदर की तरफ चल दिया हूँ दोस्तों। अभी फ़िलहाल यहाँ पर गेट थोड़ा बंद है, मैं इसे ओपन करूँगा तो अंदर चलूँगा दोस्तों। जैसा कि दोस्तों मैं अब अंदर आ गया हूँ, देख सकते हैं दोस्तों माँ दुर्गा का प्रतिमा आप सब सामने दिखाई दे रहा है। दोस्तों, कितना खूबसूरत प्रतिमा, और माँ देखिए दोस्तों चुनरी ओढ़े हुए दिखाई दे रहे हैं एकदम दोस्तों हूबहू जगत जननी माँ विंध्यवासिनी जैसा दोस्तों मूर्ति स्थापित यहाँ पर भी है। देख सकते हैं दोस्तों, मैं शाम का वेला करीब 3 बजे आया हूँ, और सामने जो देख पा रहे हैं दोस्तों श्री अम्बा जी की आरती है दोस्तों, और बगल में दोस्तों माँ दुर्गा की आरती भी लगाई गई है पोस्टर, आप सब देख पा रहे हैं दोस्तों। यह मंदिर बहुत दोस्तों फेमस मंदिर है दोस्तों। यह ज्ञानपुर नगर में दोस्तों घोपैला नाम के स्थान पर यह माँ दुर्गा का मंदिर स्थापित है दोस्तों, देख पा रहे हैं जैसा कि। और बगल में देखिए दोस्तों, इधर भगवान शिव के देखिए एक चित्र रखा गया दोस्तों, और बगल में देख सकते हैं धन्ना दोस्तों कितना स्वच्छ और साफ सुथरा एरिया दिखाई दे रहा है। और यह जो दोस्तों पानी है आप सब देख पा रहे हैं ना, इसे सब धोने के लिए, जी हाँ दोस्तों, यह फर्श धोया जाएगा इस पानी द्वारा, आप सब देख पा रहे हैं दोस्तों। यहाँ पर शाम को आरती होगी, तो मैं करीब यहाँ 3 बजे आया हूँ। आप सब देख पा रहे हैं मंदिर में कुछ इस प्रकार का माँ दुर्गा का प्रतिमा स्थापित है दोस्तों। आइए, मैं बाहर चलता हूँ दोस्तों। जैसा कि दोस्तों मैं बाहर की तरफ आ गया हूँ दोस्तों, तो यहाँ पर एक पीपल का पेड़ है, तो जिसे वासुदेव के नाम से बोलते हैं, तो यहाँ पर अभी पूजा अर्चन की जाती है इस पीपल पेड़ को, आप सब देख पा रहे हैं दोस्तों। और बाहर से खूबसूरत नज़ारा देख लीजिए माँ दुर्गा का। तो दोस्तों, अगर मंदिर अच्छा लगता हो तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक तो बनता है दोस्तों, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए। आइए आगे चलते हैं दोस्तों। ठीक, मैं मंदिर के ठीक सामने हूँ दोस्तों, पूर्वी साइड में। थोड़ा जूम करके आपको मूर्त दिखा देता हूँ मंदिर का नज़ारा। देखिए दोस्तों, ये जो आप तालाब देख रहे हैं, इस तालाब का सुंदरीकरण होने वाला है। जैसा कि यहाँ पर मिट्टी निकलवा दी जा रही है इस तालाब के सुखवाने के बाद, तो यहाँ पर बहुत अच्छा सुंदरीकरण कर लिया जाएगा। तो दोस्तों, आज के लिए बस फिलहाल इतना ही था। अगर वीडियो आप सबको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए। धन्यवाद दोस्तों।